अस्सलाम वालेकुम जी, फाक है फ्रॉम RBS। आज मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के डिज़ाइन ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं FTHL के ग्रुप COO जनाब मलिक मोहम्मद असम साहब। सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो मिक्स एंड मैच कुछ सवाल हैं, कुछ क्लाइंट्स के सवाल हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट, कुछ हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा टैक्सेशन जिसका एक बहुत ही नेगेटिविटी मार्केट के अंदर इस टाइम पे फैलाई जा रही है, चाहे वो आप समझ लें जानबूझकर किया जा रहा है इस पूरी मार्केट को डेट करने के लिए, उसके हवाले से कुछ सवाल आते हैं। और मेरे ख्याल से आपने कुछ वीडियोस के अंदर टैक्सेशन के मामलों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम चाहेंगे कि RBS के प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप ये एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे जितने ओवरसीज क्लाइंट्स हैं या नेटिव क्लाइंट्स हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो पॉजिटिव एक चीज़ होगी। तो सर, नई टैक्सेशन पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू अवाक साहब। इस सिलसिले में मेरी एक दो वीडियो मार्केट आ चुकी हैं यूट्यूब में, और उसमें मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं तफसील से बताऊं। और मैं ये बात करने से पहले और जो मेरी पहले वीडियोस हैं वो रिलीज़ करने से पहले मैंने बड़ा रिसर्च किया है, और चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं टैक्स को और इस तरह के जो रिलेटेड मामला थे उसको देख रहा हूँ, तो इसकी जैसे ही ये जो बिल पास हुआ था बजट का, तो मैंने इसको काफ़ी स्टडी किया, बहुत ज़्यादा इसको हमने जो इसके नेट्स जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो एस्पेक्ट थे वो उस पर स्टडी किया, सोचा, देखा। और जो मेरे एक्सपर्ट हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, हमारे लाहौर से हारून साहब हैं और यहाँ से नवीद सईद साहब हैं, वो काफ़ी पुराने और बहुत ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म चला रहे हैं, उनसे मशवरा किया, फिर हमने मैंने वो बात कर की और भी कर रहा हूँ जी, और बड़ी गारंटी और तस्दीक के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो रियल इस्टेट पे जो टैक्स पॉलिसी नई आई है उसमें 0% इजाफा हुआ है। ओके, ये बड़ा हैरान लगा होगा आपको मेरी बात सुन के, क्योंकि मार्केट में और सोशल मीडिया में और अदरवाइज जो बाकी मीडिया है उसमें इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा और इतनी नेगेटिव जो है ना वो रियल इस्टेट के बारे में जो बात की जा रही है वो बिल्कुल गलत है, फाल्स है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप से बात करूं, तो मैंने पहले ये वीडियो एक दो रिलीज़ की, बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस आया, मेरा ख्याल आपने भी इस सिलसिले में रब्ता किया हमारे साथ जी। तो इसमें मैं आपको यह कर दूँ कि जो सेलर और बायर है ना वो मेनली तीन तरह के टैक्स देते हैं। एक सेलर का टैक्स है जो कि 236C है जी, और बायर ने देना है 236K। ये दो एडवांस टैक्स हैं जी, ये उसने देने हैं हर पेमेंट के ऊपर। तो जो गेन टैक्स है तीसरा, वो आपने जो जब सेल करेंगे उस वक्त आपने देना है, जो आपका प्रॉफिट हो अगर उस पर आपने देना है। ओके, तो अब तीन तरह के टैक्स जो है ना, इसमें मैं सिर्फ बात करूँगा आपसे जी। इसमें नंबर वन तो आपके इल्म में है कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी पे या लाहौर में, वो जो उसकी वैल्यू है, प्राइस है, वो तकरीबन 5 करोड़ से कम है। सारी हमारे प्रोडक्ट सिवाय चंद एक विलास के, वो जो कि अभी सेल हम नहीं कर रहे, वो लेस देन 50 मिलियन है जी। लेस देन 50 मिलियन वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर पहले भी टैक्स 3% था, अब भी टैक्स 3% है। अगर नंबर्स में देखें या उसको परसेंटेज में निकाल लें तो 99.5% जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी लेस देन 5 करोड़ हैं, 50 मिलियन है, उस पर टैक्स सेम है दोनों सूरतों में। वो अगर सेलर है तब भी 3% है, और अगर बायर तब भी 3% है, इसमें 0% इजाफा हुआ ना जी। अब जो प्रोडक्ट मोर देन 50 मिलियन है वो बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत मामूली सी हैं, हमारे 8 मरला के प्लॉट हैं अब होंगे जो मेन बुलेवार्ड में हैं जी जी, या हमारे कनाल के प्लॉट हैं, या दो कनाल के जो हमारे घर हैं जी जी, विलाज हैं, या दो कनाल के विलाज हैं, वो मोर देन 50 मिलियन है, उनके ऊपर टैक्स जो अगर वो 100 मिलियन तक है तो 3.5% हो गया है, ओनली 0.5% इजाफा हुआ है। सही। और अगर वो मोर देन 100 मिलियन है जो कि नहीं है हमारी कोई प्रोडक्ट, उस पर 1% इजाफा हुआ है। ओके, तो 99% जो प्रोडक्ट है उस पर तो इजाफा हुआ ही नहीं, 0% है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्यों हम कहते हैं कि वो बिल्कुल रियल इस्टेट को बड़ा घर कर दिया है, बैठा दिया जा रहा है, और ये गवर्नमेंट जो है इसको वो कर रही है, और इसमें मैं तो क्लेम कर रहा हूँ कि 0% इंक्रीज़ है।
जी वो मलिक साहब बिल्कुल वो तो जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया मेरे ख्याल से ये पहली वीडियोस में भी आपने बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से इस चीज़ के बारे में बताया। अच्छा गेन टैक्स के बारे में मैं ज़रा बात करूँगा। गेन टैक्स का अभी बहुत शोर है ना, तो गेन टैक्स जो है ना हमारे, मैंने ये स्टडी किया है, तहकीक किया मैंने पूरा, हमारी टीम ने बैठ के, सिर्फ हमारा नहीं स्टडी किया, उन्होंने और बहुत से जो रियल इस्टेट डेवलपर हैं हमारे पैरेलल काम कर रहे हैं बड़े लेवल पर, उनका स्टडी किया है। उसमें ये नज़र आया कि 70% जो है ना इन्वेस्टर या हमारे जो बायर हैं वो एक साल के अंदर अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल करके अब निकल जाते हैं। बिल्कुल सही, आपने भी देखा होगा RBS काम कर रही है, बाकी हमारे और जो हमारे सेल पार्टनर काम कर रहे हैं। तो जो बंदे, जो लोग एक साल में अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं उनके ऊपर पहले भी 15% गेन टैक्स था, अभी 15% है, वो वैल्यू बिल्कुल सेम है, बराबर है। और जो बाकी 30% है वो मोस्टली एंड यूजर होते हैं या वो घर बनाने वाले होते हैं, उन्होंने घर बना के बेचना होता है, वो मोस्टली उस जो अगले साल के स्लैब में आते ही नहीं है, पहले वो 12.5% था, अब वो 15% है, तो इसलिए वो उसमें है ही लोग कम। सही, मैं देखिए इसमें सिर्फ मसाइल उन लोगों के लिए हैं जो पुराने, जिनके पास प्लॉट पड़े हुए हैं DHAs के या अदरवाइज जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं जो कि जिनकी वैल्यू 200 मिलियन प्लस है, तो उनको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो रही है और मसला है वो कि मेरा ख्याल ओवरऑल जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान में उसका हार्डली 0.1% है वो। ओके, तो ओवरऑल रियल स्टेट को डैमेज करना, इस तरह का प्रोपेगंडा देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि बाज़ दफ़ा इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते चीज़ों को, टैक्स मैटर्स को, वो सिर्फ मीडिया पर देख के या सोशल मीडिया पर देख के अपने आप को सबर बना लेते हैं कि पाकिस्तान में रियल स्टेट को बिल्कुल वो कर दिया गया है और पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करने के बिल्कुल घबरा के बैठ जाते हैं। अब पिछले 6 माह से क्या हो रहा है कि वो सब लोग घबरा के टैक्स के डरते कोई बंदा ना पेमेंट कर रहा है ना कोई नई प्रोडक्ट ले रहा है। Exactly. तो ये इसको हमें चाहिए कि हम इसको सोचें समझें, जो डेवलपर हैं हमारे सारे वो दोस्त अब आप बैठे हैं, सेल पार्टनर आपस में इकट्ठे बैठे और ये एक नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ बना के लोगों तक पहुँचाएँ ये मैसेज कि 0% इंक्रीज मेरे लिहाज से हुई है रियल इस्टेट में जो कि सेलर और बायर ने देनी है। okay. जो LED है वो डेवलपर के ऊपर है, वो डेवलपर ने देनी है, वो 3-5% है उसका स्लैब, वो उस पर बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर आम आदमी अफेक्ट नहीं आ रहा। okay. नहीं आ रहा जी। अच्छा मलिक साहब, इसके अलावा एक जो चीज़ है, ये आपने जैसा कहा कि जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके मैसेज या सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैसेज कर देते हैं या मीडिया के ऊपर स्पेशली एक कैंपेन बाकायदा रन की जा रही है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है या मटेरियल कॉस्ट जो है वो इंतहाई ऊपर जा रही है, आपकी सरियाई कॉस्ट होगी, सीमेंट हो गया या क्रश जितना भी है, तो इस बारे में आप क्या देखते हैं कि ये आया इसकी भी ऊपर इफेक्ट है इस चीज़ का या नहीं? देखिए टैक्स का तो मैं कहता हूँ इफेक्ट नहीं है। ओके, उसकी वजह से तो कोई बड़ा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। जो मटेरियल कॉस्ट है पिछले साल से तो कॉन्स्टेंट है। सही, जो कोरोना और ये प्रॉब्लम आई थी कोरोना के बाद जब चीज़ों को रेट बढ़ गए थे और बिकॉज ऑफ ऑयल क्राइसिस जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से हमारा डॉलर भी इंक्रीज़ हुआ था, डीवैल्यू हो गया था रुपीज़ हमारा, और जो चीज़ें बढ़ गई थी सीमेंट स्टील पिछले एक साल से वो स्टेबल हैं। मेरा ख्याल है कि जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अब देखें डॉलर नीचे भी आ रहा है आस्ता आस्ता, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है, इससे जो है ना जो हमारे डेवलपर हैं ख़ास तौर डेवलपर जो बना रहे हैं बिल्डिंग्स या प्लॉट्स बनाना चाहते हैं या इस पर आना चाहते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस काफ़ी बहाल हुआ है, उनको एक स्टेबल नज़र आ रहा है कि अगले चंद साल जो है वो ये रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी कोई ख़ास ताकत नहीं है कि ये डॉलर रेट बहुत ऊपर जाएगा या मटेरियल रेट बढ़ जाएंगे और ये स्टेबल रहेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। सर इसमें मैं एक एडिशन करूँगा, अगस्त 2018 से मैं भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट को प्रॉपरली विजिट कर रहा हूँ RBS के प्लेटफॉर्म से, और ये चीज़ सर हैड्स ऑफ टू द मैनेजमेंट कि आज तक मेरे ख्याल से 6-6.5 साल में यहाँ पर डेवलपमेंट ना कभी रुकी है, चाहे वो कोरोना का पीरियड था। और आई थिंक सो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, कोरोना के टाइम में मेरे एक क्लाइंट थे वो साइट विजिट करना चाहते थे, उस टाइम पर आपको याद होगा आपने एंट्री और एग्जिट बंद किया हुआ था साइट के ऊपर, तो मैंने उस टाइम पर भी जब साइट विजिट कराई थी तो यहाँ पर प्रॉपर ओवरसीज ईस्ट में और प्राइम में प्रॉपरली काम चल रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह सर इंटरचेंज मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा आपकी काविशों का नतीजा है कि आपने बड़ा नेक दिली से इसको लेके आगे चले, मैनेजमेंट की सिर्फ डे वन से जो कमिटमेंट थी हम लोगों के साथ या क्लाइंट्स के साथ
वो पूरी हुई है सर, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आरबीएस टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया। और सर ये मुझे काइंडली बताइएगा, आपने एक रिसेंट वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि जो नए ब्लॉक्स फ्यूचर में आप लेके आना चाह रहे हैं उसके अंदर टैक्सेशन जो कॉस्ट है वो आप लोग बेयर करेंगे, तो सर ये ऐसा क्यों डिसीजन लिया आपने? देखिए ये जो है ना, मैंने इससे पहले अर्ज किया ना कि टैक्स में जो इंक्रीज़ नहीं हुई पहले जी, पहले से जो थी अभी वही है। तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो लोग पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं या स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर सके जी, तो उनकी तरफ से डिमांड है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं दोबारा हमारे सिस्टम के अंदर, मगर टैक्स की नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा की वजह से वो थोड़ा सा हिचकिचाहट फील कर रहे हैं। तो हम उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए हम ये स्टेप लेना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान भी और उसके बाद भी जो क्राइसिस आए हैं, सबसे पहले जो स्टेप्स हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने माशाल्लाह लिया है सर, एग्जैक्टली, और फिर बाकी लोगों ने कॉपी किया है, बाकी लोग लेके चले। सत्रिया ने हाफ मरला हमने लॉन्च किया था, 2.6 मरला लॉन्च किया कमर्शल, फिर हमने जो हमारे जो फाइंस थे वो हमने वापस किए, तो इस तरह फिर बाकी लोगों ने भी वापस करना शुरू किए, फिर हमने डेवलपमेंट चार्जेस को 1.5 साल डिले किया, तो वो हम पानी रहे हैं माशाल्लाह। एग्जैक्टली, तो ये हम इस सिलसिले में भी पानी रही हैं कि हम एक ऐसा सेक्टर लॉन्च करना चाहते हैं, कर रहे हैं इंशाल्लाह वेरी नियर इन नियर फ्यूचर, जो टैक्स फ्री सेक्टर हम कहेंगे उसको। ओके, तो उसका नाम मैं अभी नहीं बता सकता आपको, मगर हम 22 जुलाई को इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा यहाँ पे सेल पार्टनर्स के साथ इवेंट कर रहे हैं। ओके सर, साइट पे हम करेंगे डोम पे, जिसमें 300-400 के करीब सारे पार्टनर्स हमारे साथ शामिल होंगे, उसमें हमने बहुत बड़े बड़े ऐलानात करने हैं। ओके, और ये टैक्स की पॉलिसी के लिए और अदरवाइज जो सारे बाकी मामलात हैं जिसके अंदर हमारे मेंबर्स या क्लाइंट और जो क्लाइंट बनना चाहते हैं हमारे वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए जो हम इकदाम करना चाहते हैं, जिसमें एक जो पॉइंट है वो टैक्स फ्री सेक्टर का लॉन्च है जी। हम वो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे, तो यू विल एंजॉय दैट इवेंट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये मैं आपको बताऊँ जो आप अभी बात करें इस चीज़ के, मेरे ख्याल से हमने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई थी, जब सरचार्जेस जो भी कंपनी इंप्लीमेंट करती है वो आप ये समझ लें कि उसका एक प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट है उसका, लेकिन जिस तरह एक हार्ड टाइम के अंदर ऑब्वियसली मैनेजमेंट जब डेवलपमेंट कर रही है तो उनके भी एक्सपेंसेस हैं, तो जिस तरह ये सारे जो सरचार्जेस लेट पेमेंट सरचार्जेस थे ये क्रेडिट बैक किए गए इंस्टॉलमेंट्स में या डेवलपमेंट कॉस्ट जो कि बिलियन ऑफ रुपीस थे। एग्जैक्टली, बिलियन ऑफ रुपीस में थे। बिल्कुल, हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा जेनेरिक एक अच्छा सा डिसीजन किया और लोगों को उस मुश्किल वक्त में हेल्प की कि सारे वापस कर दिए जो रिसीव हुए हुए थे, वापस कर दिए और आइंदा ना लेने का प्रॉमिस कर लिया, 1.25 साल लेट किया हमने, तो वो बड़ा अच्छा था उनकी तरफ से, एक अच्छा जेस्चर था जो कि मैं खुद भी उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जो मेरे लोग हैं, आप सब सेल पार्टनर्स हैं या क्लाइंट हैं स्पेशली, उन्होंने उसकी हमारे जो चेयरमैन साहब के डिसीजन को इंजॉय किया। बिल्कुल, और मगर मैं अब उनसे ये भी ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि 1.25 साल हमने डिले किया था उसको, उसमें और कोई मज़ीद इजाफा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने भी डेवलपमेंट करनी है, हमें भी उसके लिए फ़ंड चाहिए, और मुश्किल वक्त में जिस तरह आप बात कर रहे थे कोरोना के दौरान काम हो रहा था, हम बल्कि डिफ़िकल्ट वक्त में काम की स्पीड हम डबल कर देते हैं सही, ताकि जब कोई काम ना हो रहा हो तो हम काम कर रहे हों। आजकल भी हमारी स्पीड डबल है, आपने देखा होगा हर रोज़ नई चीज़ आपको नज़र आती है साइट पे, एक वीक के बाद आएंगे तो आप साइट को पहचान नहीं सकते, तो हमने आजकल बड़ा उसको ज़्यादा किया हुआ है, स्पीड ज़्यादा बढ़ाई हुई है हमने सर। हम तो सैटरडे का हमारा आरबीएस टीम का साइट डे होता है, हम लोग आते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर वीडियोज़ बना के जाते हैं, और अभी हमने एक नया इनिशिएटिव भी लिया है अपने तौर पर कि जो क्लाइंट्स जिनके प्लॉट्स बैलेट हो चुके हैं अगर वो हमें लोकेशन शेयर करते हैं, हम जाके वहाँ पर उनको वीडियो मैसेज या वहाँ की पिक्चर्स भेजते हैं ताकि वो उसको देख सकें कि कितनी डेवलपमेंट है। और मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 1 साल बाद आके विजिट करते हैं हमेशा माशाल्लाह, और बड़े खुश होते हैं आके देख के डेवलपमेंट, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ भी ये हुआ है कि हम लोग भी नई से नई चीज़ देख के खुश भी होते हैं माशाल्लाह, और जब क्लाइंट्स से शेयर करते हैं तो वो भी खुश होते हैं माशाल्लाह। सर इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद आपसे भी बहुत दफ़ा किया गया होगा और डिफरेंट जो मैनेजमेंट के लोग हैं, सर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो है उसका काफ़ी अरसे से आपको पता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, और हालांकि एक टाइम के अंदर काफ़ी पॉजिटिव साइड पे जाके मैनेजमेंट ने उसके ऊपर
वर्कफोर्स भी की, इम्प्लीमेंट लगाई वहाँ पर, और इसके अलावा वहाँ पर मशीनरी भी डिप्लॉय की। तो सर अभी आप कैसे देखते हैं इसको एग्जैक्टली, क्योंकि लोग कहते हैं ये शिफ्ट करने का कुछ मलिक साहब कह रहे थे। दो इसमें एस्पेक्ट हैं। हमने पिछले एक साल सवा साल पहले जब बहुत सारी लैंड आ गई थी हमारे पास, तो हमने उसको स्टार्ट किया था। जो लैंड अवेलेबल हुई है वो सब डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे ना, रोड्स बन चुकी हैं, सीवरेज हो चुका है, अभी इलेक्ट्रिकल की स्लीव बिछ रही हैं और गैस की भी बिछ रही हैं। तो वो एरिया रेडी है फॉर पोसेशन, उसका हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और चंद एक लोगों को एग्जेक्टिव ब्लॉक में लोकेशन नहीं मिल सकी, बैलेट हो चुका था, नंबर लगा हुआ है, मगर प्लॉट अवेलेबल नहीं हो पाया फॉर मैनी वेरियस रीजन्स, बावजूद कोशिश के। तो हमने अभी जो 22 जुलाई को हम इवेंट करने जा रहे हैं, उसमें हम इसका भी हमने जो एक हिस्सा है वो एक जो अनाउंसमेंट उसमें ये शामिल है कि जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिल सका एग्जेक्टिव, उनको हमने नई जगहों पे प्लॉट देना है। ओके हाँ जी, उसका हमने एक नया एग्जेक्टिव सेक्टर लॉन्च कर रहे हैं जो कि अभी जिसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है असल में। हमने अभी उसको ये नहीं है कि लैंड नहीं है या लैंड लेना है या उनको ट्रांसफर करके फिर अगले 2 साल हम उनको प्लॉट नहीं देंगे। उस सेक्टर की अभी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है और हमने जो नया टैक्स फ्री सेक्टर जो अनाउंस करना है उसके साथ ही उसकी डेवलपमेंट हो रही है। और उन सब लोगों को जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में जिनको प्लॉट नहीं मिल सका बिकॉज ऑफ बैलेटिंग के बावजूद भी, और बाद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पेमेंट लेट की थी तो उनका बैलेट में नाम नहीं आया था, अब वो पैसे दे चुके हैं, उनका एक लिमिट रखेंगे कि इतने परसेंट पैसे दिए तो उनको बैलेट में नाम आएगा, वो सारे उनको हमने नए एग्जेक्टिव ब्लॉक में जगह देनी है और वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं प्लॉट जो हमने उनको देने हैं। नंबर टू, जो ओवरसी टैग के साथ लोगों को प्लॉट नहीं मिला था बिकॉज ऑफ देयर लेट पेमेंट, उनका बैलेट में नाम शामिल नहीं हो सका था, उनको भी हमने ओवरसीज का जो नया सेक्टर आ रहा है उसमें जगह देनी है, वहाँ बैलेट करके हमने वो उनको प्लॉट नंबर देना है और प्लस हमने उनको लोकेशन पे वो प्लॉट देना है। और साथ ही ओवरसीज प्राइम टू जो है जो सेल हुआ हुआ है उसकी भी डेवलपमेंट शुरू है तो उसको भी हमने बैलेट करना है और उनको प्लॉट नंबर लोगों को देना है। तो बाई एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमने लाइबिलिटी ज़ीरो करनी है। एवरी प्लॉट होल्डर जिसकी पेमेंट एक ख़ास मुदत पे हम कोशिश करेंगे कि अनाउंस करें कि इतने परसेंट पेमेंट पूरी करें तो वो उसके पास प्लॉट ज़रूर होगा जो कि लोकेशन के साथ होगा, हवा में नहीं होगा कम अज़ कम। इस साल में हमने लाइबिलिटी ज़ीरो करनी है एग्जेक्टिव ब्लॉक की भी और ओवरसी टैग वाले प्लॉट्स की भी इंशाल्लाह। और सर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ही होगा जिस तरह पहले बैलेटिंग होती रही है? जी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, ऐसे ही होगा। मगर ये सारी चीज़ें हम जुलाई के जो आखिरी वीक में हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा इवेंट आपके साथ, उसमें हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह सर। और सर एक आपने इनिशिएटिव लॉन्च किया था 24/26 रिसेंटली सर, उसके बारे में बताएं, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कैपिटल स्मार्ट सिटी तो आपने एक बात की थी कि अब पाकिस्तान के अंदर एक स्मार्ट सिटीज़ का जाल जो है वो फैलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के बाद लाहौर एंड सर नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोई हल्का फुल्का नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है गुजरांवाला है। ओके सर जी, वहाँ पे अभी हमने एक सेशन किया था हमारे चेयरमैन साहब ने जो सेल पार्टनर्स को बुलाया था, ठीक है, उसमें आपके अदील साहब भी तशरीफ लाए थे, बहुत शुक्रिया उनका। वहाँ हमने मशवरा किया था सारे अपने सेल पार्टनर से भी, तो सब ने मशवरा दिया कि सबसे पहले गुजरांवाला और उसके बाद फैसलाबाद जो कि लाहौर के नज़दीक हैं, ये बड़े हॉट एरियाज़ हैं जहाँ पे अच्छी सेल हो सकती है, और वह हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद कराची इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, पेशावर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आखिर में ग्वादर भी जाना है हमने, तो ये सारे एरियाज़ हमने कवर करने हैं इंशाल्लाह, जाल बिछाना है हमने इंशाल्लाह स्मार्ट सिटीज़ का। देखिए स्मार्ट सिटी में हमने जब 2018 में स्टार्ट किया था तो हम ख़ुद भी इसको अपना बड़ा एम्बिशियस सा प्रोग्राम समझते थे और हमारा ख्याल था अगर हम 50% भी अचीव कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान में, मगर अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम 120% अचीव कर चुके हैं जी सर, तो अब इतना मुश्किल नहीं रह गया। और दूसरी बात बड़ी अहम है कि अगले 2 साल के बाद सब डिवेलपर्स को जो वो जो बनाएंगे वो सिटीज़ या कॉलोनीज या हाउसिंग सोसाइटी उनको स्मार्ट बनाना ही पड़ेगा, इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द टू डेज लाइफ जी, उसके बगैर लाइफ ज़ीरो हो जाएगी। तो हर बंदे को ये जो फार्मूला है स्मार्ट सिटी फैसिलिटीज़ का वो देना पड़ेगा।
सर वो टैग लाना पड़ेगा, यूज करने लग पड़ा जी 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 हमारे पास। सर आपने प्राइम टू बैलेटिंग भी बता दी, आपने बताया कि इस साल के एंड पे इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे। सर एक प्रोजेक्ट इन हालात के अंदर हम भी इंशाल्लाह ताला आपकी तरह बहुत पॉजिटिव हैं और कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको भी टाइमली क्लाइंट्स तक पहुँचाएँ। और इसी आप जिस तरह हाई राइज के प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं फ्यूचर में, इस तरह हमने भी एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था 3.5 मरला हार्मनी होम्स का, सर उसको आप क्या फोर्सी करते हैं और आप क्या रेकमेंड करते हैं कि आया? देखिए मैं बड़ा जब मुझे आप लोगों ने अप्रोच किया था, आप सब लोगों ने मिलके, तो आई रियली अप्रिशिएटेड। ये आज की रिक्वायरमेंट थी और स्पेशली सिलिकॉन विलेज के पास बड़ी रिक्वायरमेंट है इसकी। आपने देखा होगा कि हमारा इनक्यूबेशन सेंटर जो है, इनक्यूबेशन सेंटर रेडी है, फर्निश हो रहा है, वो 2000 स्टूडेंट्स के लिए है। 2000 स्टूडेंट्स से मुराद है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं आईटी में, एआई में, या जो लोग स्टार्टअप्स बनाएंगे, अपनी कंपनीज बनाएंगे, तो उनके लिए हमने रेडी कर दिया है। 2000 बॉयज एंड गर्ल्स मिलके वहाँ बैठेंगे और सर्च करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ जो होती है ना कॉल सेंटर बनेंगे, तो वो दुनिया के साथ रब्ता होगा उनका, उनकी उनको अकोमोडेशन चाहिए जी। हमने इस वक्त तक सिर्फ 100 घर 5 मरला के जो बनाए थे हमने उनको दिए हैं रहने के लिए। 7 बॉयज या गर्ल्स एक घर में रह सकते हैं, तो 700 लोगों के लिए हमने बना लिए हैं अकोमोडेशन, वो दे दिए हमने। मगर जो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है जी, मिनिमम 1,00,000 जो लोग हैं उनको अकोमोडेशन चाहिए। अब वो लोग जो स्टार्टअप बनाते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो स्टार्टअप बनाते हैं, छोटे कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको थोड़ा लिमिटेड पैसा होता है, और R&D करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं जी। उस 2 साल के अंदर वो अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, उस 2 साल में उनको एक जो है ना मिडिल मीडियोकर टाइप एक उनको चाहिए होती है अकोमोडेशन, जो कि अफकोर्स 3.5 मरला या 5 मरला सेक्टर में वो आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ बहुत से लोग होंगे जो आपसे विला बाय करेंगे और वो रेंट पे देंगे बच्चों को, या बहुत से लोग होंगे कि जो अपने स्टार्टअप बना रहे हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर है, तो अपना विला बाय कर लेंगे आपसे और रहना शुरू कर देंगे, या कुछ घर आप भी रेंट पे दे सकते हैं, खुद बनाएं 20-25 घर आप रेंट पे देना शुरू कर दें पर जो पर्सन है या पर बेड। तो इस लिहाज से ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है आपका। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, जो हमारे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इसकी बहुत ज़रूरत भी थी, और मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट भी होगा जी। सर इंशाल्लाह सर, थैंक यू फॉर दिस मैसेज। और सर एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आजकल चल रहा है मार्केट के अंदर, वो है रिगार्डिंग मर्जिंग, क्रॉस मर्जिंग। तो मैनेजमेंट ने बड़ी स्ट्रेट अवे 14 जून को कैपिटल स्मार्ट सिटी ख़त्म कर दी थी, तो सर कोई ऐसा प्लान फ्यूचर में है आपका कि आप क्रॉस मर्जिंग को दोबारा एक्नॉलेज करेंगे? या देखिए इसमें ना क्रॉस मर्जिंग में हमें कोई इतराज़ नहीं था जी, हमने आप लोगों के कहने पर शुरू कर दिया था, मगर चंद एक जो हमारे थे ना सेल पार्टनर्स ने या कुछ लोगों ने इसको बड़ा गलत यूज़ करना शुरू कर दिया था, उसकी वजह से हमारे क्लाइंट को नुकसान हो रहा था जी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज़ जो एक प्रोडक्ट जो है जिसके ऊपर 10,00,000 5,00,000 ओन है, वो उसको नेगेटिव शो करके, नेगेटिविटी बढ़ा के, नेगेटिव करके माइनस में लेके, तो किसी और बंदे को वो पॉजिटिव सेल करके वो मर्जिंग करवा रहे थे लोग ना जी। सर हमने सख्ती से नोटिस लिया, अब हमने अपने उन सेल पार्टनर्स को अपने सिस्टम से निकाला भी, वार्न भी किया, मगर वो रुका नहीं काम, थोड़ा हुआ मगर इतना नहीं काम हुआ, तो उसमें क्लाइंट का नुकसान बहुत हो रहा था। देखिए हम सब ने मिलके, हमने और सेल पार्टनर्स ने सबसे पहले क्लाइंट के जो है ना बेनिफिट को प्रोटेक्ट करना है जी। तो क्रॉस मर्जिंग में उनका बहुत नुकसान हो रहा था और नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही थी, इसलिए हमने वो बंद की है और इसका दोबारा शुरू होने का कोई चांस नहीं है। तो जी आज के दिन हमारा बड़ा इंसाइटफुल रहा है, हम बड़े मशहूर हैं मलिक असलम साहब के, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और कैपिटल स्मार्ट सिटी या उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं FDHL के बैनर के नीचे उसके हमें इंसाइट्स दी, और ये भी बताया कि फ्यूचर के अंदर किन किन सिटीज़ के अंदर वो प्लान कर रहे हैं कि नई स्मार्ट सिटीज़ को लॉन्च किया जाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा था, और जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ नहीं आई हैं उसके ऊपर जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है मार्केट के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो मीडिया है या वो प्रिंट मीडिया है, मेरे ख्याल से उस सब चीज़ को बंद होना चाहिए और एक पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो आगे पहुँचाना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शायद हमारे इस इंटरव्यू में रिकॉर्ड नहीं हो सकी ड्यू टू टेक्निकल इशू, लेकिन उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक तो एक क्वेश्चन मेरा मलिक साहब से ये था कि लिवेबल कब तक हो जाएगी कैपिटल स्मार्ट सिटीज़, उसके जवाब में उन्होंने मुझे एक बड़ा सिंपल सा सिंपल तरीके से बताया
कि वो खुद छोटी ईद से यहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि रमज़ान के मिड से यहाँ पर रहायश पजीर है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। और आने वाले दिनों में कुछ हमारे रियल्टर्स भी यहाँ पर अपने जिनके विलास कम्प्लीट हो गए हैं वहाँ के अपनी रहायश इख्तियार करना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ विलास जो हैं वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी के अलावा वो फोर फॉरन जो नेशनैलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इन विलास में रहायश भी हैं, जिनमें स्पेनिश हैं, चाइनीज़ हैं। और इसके अलावा जो ऑफिसेज़ वगैरह हैं लेक व्यू हाइट्स के, इसके ऊपर डिस्कशन हुई या अपार्टमेंट्स हैं ये कब तक आप रेंट आउट कर रहे हैं या आपका प्लान है इसको सेल करने का, तो इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल सीधा सा जवाब दिया कि हामनी हाइट्स या लेक व्यू हाइट्स फॉर सेल नहीं है, लेकिन इनको जो ऊपर वाले तीन फ्लोर हैं उनको सर्विस अपार्टमेंट्स के तौर पर यूज़ करेंगे फ्यूचर में, जो कि आप रेंटल बेसिस के ऊपर ले सकते हैं, चाहे वो वन मंथ का एग्रीमेंट है, वन ईयर का एग्रीमेंट है, सिक्स मंथ का एग्रीमेंट है, वट एवर यू नीड इज, तो उसके ऊपर वो आप ये उससे कर सकेंगे फ्यूचर में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है। इसके अलावा जो दो बैंक्स हैं वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की लेक व्यू हाइट्स के अंदर आ रही है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, आप इसे आके देखना चाहते हैं, इंटरचेंज आपका ऑपरेशन है, 22 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ा इवेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर हो रहा है, जिसके अंदर एग्जेक्टिव पे जो इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव मीन्स के जिनके प्लॉट नंबर्स लगे हुए हैं उनको अभी तक जगह नहीं मिली, तो ऑलरेडी वीडियो के अंदर आपने सुना होगा मलिक साहब ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि हम उनको वहाँ पर जगह दे रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो मोटरवे की राइट साइड है, और इंशाल्लाह विद इन वन ईयर हम उनको पोजीशन देके फ्री कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी मलिक साहब के साथ और जितनी मैनेजमेंट है जो हमारे काम से रिलेटेड है, सेल्स के काम से रिलेटेड है, हम उनके साथ इस तरह के इंटरव्यूज रखें ताकि आपकी जो क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम उनसे डायरेक्टली पूछेंगे। आज के इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर या पूरे इंटरव्यू के अंदर हमने कोई क्वेश्चन प्लान नहीं किया, हमने उनसे जनरल क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लिखे हुए हमने उनको बताया कि हमने ये मलिक साहब क्वेश्चंस करने हैं आपसे, और ही वॉज हैप्पी टू आंसर। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि इसको काट दो, जैसे कर दो, मैं ये वाला भी सवाल का जवाब दूंगा। आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव प्राइम टू और जो भी नया सेक्टर आ रहा है, जो 5 साल की टैक्स फ्री भी नया सेक्टर करने जा रहे हो, उन्होंने बिल्कुल खुली इंसाइट दी है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई उन्होंने वो दिल्ली से कोई बात नहीं की। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना बनता है कि अगर आप इतनी नेक दिल्ली से इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह पहले भी कैपिटल स्मार्ट सिटी एक अपने अरूज पर है, और इंशाल्लाह इसे और अरूज मिलेगा। rbslandlord.com हमारी वेबसाइट है, इसके अलावा नंबर्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। कोई भी क्यूरी हो आपकी रिगार्डिंग प्लॉट्स, आप टू नई इन्वेंट्री बाय करना चाह रहे हैं, अगर आप नए इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे लाजमी रब्ता करें। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स RBS रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से हैं, उनको भी आप लाजमी फॉलो किया करें, एंड हमारी वेबसाइट rbslandlord.com उसको लाजमी विजिट करें, आपको इन शाला कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी की जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।